यार अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया भजन, मैं तो खीर लेकर आ रहा था गोद भराई के लिए, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ हुआ। तो फिर खीर किधर है? ओए ओ अंदर मर रहा है तुझे खीर की पड़ी हुई है शो दिया। और एक बहुत बड़ी मिस्टेक देखने को मिलती है लेटेस्ट एपिसोड में कि जहां पर भैया अभी 3 दिन का प्रिजनर है और ऐसे में पहले दिन उसको दिखाया जाता है किसी और ड्रेस के अंदर और वहां पर बेचारा बड़ा माफिया मांग रहा है। यू कैन क्लियरली सी दैट के इसने सयान कलर का सूट पहना हुआ है। और दूसरे या तीसरे दिन जब उसकी कंडीशन मजीद वर्स्ट होनी चाहिए तो उल्टा आपने दिखा दिया कि बड़ी उसकी फ्रेश किस्म की शेव हुई हुई है और पहनी हुई उसने शेरवानी टाइप कोई कुर्ता। तो बंदा पूछे ये कौन सा टॉर्चर हो रहा है उसके ऊपर के जहां पर वो इतना फ्रेश दिख रहा है। और फिर इसके कपड़े कैसे चेंज हो गए भैया, ये जेल के अंदर बैठा हुआ है या ऐसे में किसी के घर पार्टी पे गया हुआ है। और ये वाला सीन भी देखकर मुझे काफी हंसी आई कि जहां पर वो स्टार्ट में कहती है कि घर में पर्दे में बैठकर जो है वो ऐसे में सेल करेगी, तो भैया अगर पर्दे में बैठ के सेल करना था तो फिर उसकी वीडियो और पिक्चर्स क्यों तुमने लगाई, तुम्हें ये कहना चाहिए था कि वो घर में प्रोटेक्शन में बैठ के जो है वो चीजों को सेल करेगी। और एक और बात की समझ नहीं आती कि मतलब ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं कि जहां पर लोग बिरयानी बेच रहे हैं या कुछ भी खाने पीने की दूसरी चीजें, वहां पर आपका सामने आना जरूरी नहीं है। एटलीस्ट मैंने तो कोई ऐसा पेज नहीं देखा कि जहां पर कोई खुद सामने आकर कह रहा है कि अच्छा मैं ये बेचती हूँ मेरी ये चीज ले लो। और फिर अभी फेसबुक पे पेज बना के क्लिक नहीं किया, साथ ही मतलब वेट करना शुरू हो गया और कॉल भी आ गई, 10 बिरयानियों का ऑर्डर भी आ गया। वाह भैया कमाल हो गया, बिरयानी नहीं भैया काबली पुलाव। जी जी बिल्कुल काबली पुलाव। अब ये मत कहना कि उन्होंने फेसबुक कंपेन चला दी थी हजारों की भैया चंद 100 रुपए की बिरयानी बेचने के लिए, वो इतना ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि काबली पुलाव की जो स्टोरी है वो फिनोमिनल है। मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि ग्रीन एंटरटेनमेंट ने जहां पर इतनी बड़ी कास्ट इतने फेमस एक्टर्स को और एक्ट्रेस को हायर किया, उनको स्टोरीज इतने मजे की नहीं दी गई जहां पर आपने एक बिल्कुल मतलब जो एक साइड रोल करने वाली सबीना और साथ में एक ऐसे अंकल जिनको एटलीस्ट मैं तो जानता भी नहीं था, उनको इतनी सुपर्ब स्टोरी दे दी कि यहां पर वो हमें सबसे बेस्ट ड्रामा लगता है। या ये भी हो सकता है कि ऑडियंस जिस ड्रामे को ज्यादा पसंद करे ये चीज समटाइम डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स लोगों को भी नहीं पता होती। आने वाली एपिसोड में एक बहुत बड़ा शॉकिंग टर्न देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मुझे इस बात की भी समझ नहीं आती कि भैया तेरे सामने तो वो बना रही है डॉक्यूमेंट्री अभी सनी काफी देर से, तो तुझे एकदम से कैसे एहसास हो गया कि हाँ ये बहुत गलत कर रही है और तू उसके साथ लड़ना शुरू हो गया। लेकिन डॉक्यूमेंट्री बहरहाल उसकी बहुत मजे की थी। हाजी साहब जो इतने मैच्योर हैं जिस टाइम लोग सेल्फी लेने के लिए आते हैं बारबीना की, तो खुद उसको अलाउ करता है कि हाँ ठीक है ले लो सेल्फी, और बाद में टीन बॉयज की तरह उसके साथ लड़ना शुरू हो गया है कि तुम लोगों में इंटरेस्ट ले रही हो या लोग तुम में। अरे अंकल जी आपके बाल चिट्टे हो गए हैं, 50-60 साल आपकी उम्र, वो अलग बात है कि आपने काले कर लिए, लेकिन इस उम्र के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि आपके अंदर कोई सच जेलसी का फैक्टर होता है या इतना समझदार होने के बाद इस तरह की बातें करो, तो ये बिल्कुल भी बात मेरी समझ में नहीं आई। अब डॉक्यूमेंट्री भी काबली पुलाव की तरह फौरन से वायरल हो जाएगी, यहाँ पर तो लोग भैया दिन रात मेहनत करते हैं चीजें वायरल करने के लिए, तो नहीं होती। खैर वो सारी जगह पर फैलेगी और उसके बाद जाकर पता चलेगा कि अच्छा बारबीना और ऐसे में हाजी मुश्ताक कहाँ पर है। ये लोग चेज करते करते आएंगे इसके पास, जो गफार है वो उसके घुटनों में बैठ जाएगा और कहेगा कि मुझे माफ कर दो बस वापस आ जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अगला नंबर उसका हो जेल में जाकर सड़ने का, तो इसलिए वो अब हाजी साहब से रिक्वेस्ट करेगा। और एक बड़ी ट्रेजेडी दिखाई जाएगी, वो एग्जैक्टली होगा कैसे क्योंकि दिस ड्रामा इज एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी दिखाया जा सकता है, लेकिन इतनी समझ मुझे जरूर आ रही कि ये जो डेथ वाला सीन है ये चौधरी साहब की डेथ होगी। वो चौधरी साहब अंकल वाले जिन्होंने बुरान को अपने पास काम पे रखा था, वो उनकी डेथ होगी जो भी सीन बनेगा उसके बाद। उसकी बेटियां चूंकि बहुत रो रही हैं तो मुझे कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है, कम चांसेस है इस बात के कि वो जो अंकल जेल में हैं उनकी डेथ हुई हो। शमीम जो है वो अब काफ़ी अच्छी बनती जा रही है, एक तो वो पुलिस ऑफिसर को भी जाके समझा रही है, और ख़ास तौर पे जिस टाइम बारबीना देखेगी पहली दफ़ा बुरान को तो वो डेफिनेटली बेहोश होकर गिरेगी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो वो मर गया था। अब वहाँ पर वो उसको कंट्रोल कर रही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने लगा है सीन, क्योंकि हाजी साहब अब बैक टू होम है, ऑब्वियसली भाई चला गया तो अब घर को कौन देखेगा, तो वो यहीं पर ही रहने वाला है। गफार बेहतर हो जाएगा, ऑल्दो को उसको सजा ही मिलनी चाहिए क्योंकि उसने बड़ी चवले मारी हुई हैं। अब सबसे बड़ा जो अगला कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आएगा वो ये कि मतलब यहाँ पर हो सकता है कि उस चौधरी साहब की दुकान को संभाले या बुरान, और साथ साथ आँख मटक्का करे अपनी ही पहली बेगम से जिसका नाम है बारबीना। अब उनके दरमियान छुप छुप के जब होंगी मुलाकातें तो फिर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाजी साहब जो सेल्फी लेने पर इतना गुस्सा कर रहे थे अब उसको प्यार
प्यार हो चुका है एंड ही फील वेरी पोजेसिव अबाउट हर, तो वो कैसे अलाउ करेगा बुरान को कि वो उसके क्लोज हो। तो ये चीज भी ड्रामे के अंदर आगे जाके काफी इंटरेस्ट क्रिएट करेगी। और उससे भी बड़ा जो शॉकिंग टर्न जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि भैया वो इस ड्रामे के अंदर दिखाया जाएगा, वो ये जो आप सब लोगों को हैरान करने वाला है, आई बिलीव कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि बाबीना जो है वो अब प्रेगनेंट हो गई है। वैसे तो इट्स वेरी रेयर कि कोई 60 इयर्स का बंदा इम्प्रेगनेंट कर सके, बट चांसेस होते हैं, वो भी तब जब हस्बैंड वाइफ बहुत वाइल्ड हो। यहाँ पर तो मतलब कभी कभी कोई सितारा निकला था तो उसके बाद कैसे ये चांद निकल आया, ये सोचने वाली बात होगी। जिन लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं पहला हस्बैंड अगर मिल जाए तो उसकी तरफ वापस जा सकती है, यहाँ पर सिचुएशन फर्दर कॉम्प्लिकेट होने वाली है, क्योंकि भैया तलाक तो ऐसे में मतलब प्रेगनेंसी के साथ तो हो ही नहीं सकती। तो फिर क्या होगा ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। और एक और चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई लॉ एक्सपर्ट है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, वो ये कि जैसे आपको दिखाया गया पुलिस ने अरेस्ट कर लिया हमारे इस जाकिर, पता नहीं क्या नाम है इस बंदे का, उसने जिस बेस पे अरेस्ट किया वो बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। हैरानगी वाली बात यह है कि बेगम उसकी कहती है कि वो डिग्गी में खीर रखने गए थे। अरे भैया इतनी सी खीर को वो डिग्गी में क्यों रखेगा? अच्छा चलो मान लो डिग्गी में खीर रखने गया था और वहाँ पर पुलिस वाला आया, उसने तलाशी ली, डिग्गी से खीर निकाल के रख दिया असला, कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना उसको फंसाने के लिए, क्योंकि उसकी इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं। और ये चीज़ सुनने में भी आई है नॉर्मल लाइफ में कि पुलिस वाले तलाशी के बहाने चर्स रख देते हैं, असला रख देते हैं और फिर बाद में उस बंदे को किडनैप कर लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। तो मेरा आप तमाम लॉ एक्सपर्ट से ये क्वेश्चन है कि इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है। मतलब इस तरह तो कोई भी पुलिस वाला किसी को भी अरेस्ट कर ले, अपनी जेब से कुछ निकाल के उसकी जेब में डाल दे, उसकी गाड़ी में डाल दे और उसकी बेसिस के ऊपर वो अरेस्ट कर दे। हमें कैसे क्लैरिटी होगी कि ये जो चीज़ निकली है हमारी गाड़ी से, हमारी जेब से, ये उस पुलिस वाले ने नहीं डाली? ये एक मेरा बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है एंड आई रियली वांट यू गाइस टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन, अगर आप में से कोई लॉ एक्सपर्ट है और जानता है कि किस तरह से इस सिचुएशन को टैकल किया जा सकता है। तो काफी अच्छा जा रहा है ड्रामा, बहुत मजा आ रहा है मुझे काबली प्लॉ को देखने का एंड आई होप कि ये ड्रामा आगे से भी बहुत ही सुपर्ब स्टोरी लेकर कैरी ऑन होगा। और ग्रीन एंटरटेनमेंट ने सम हाउ जिस तरह की अपनी एडवर्टाइजमेंट की थी कि यहाँ पर वो कुछ डिफरेंट लेके आ रहे हैं, एक चीज़ तो साबित होती है इनके ड्रामों से कि भैया वाकई दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। ये वाइब्स, ये सीन, इस तरह की स्टोरी आपको एटलीस्ट किसी दूसरे चैनल पर तो देखने को नहीं मिलेगी। दैट्स एवरीथिंग अबाउट द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ काबली प्लाव। अगर आप लोगों ने मेरे वो रिव्यू नहीं देखा जो मैंने बनाया है 10 एक्ट्रेस के ऊपर जिनका मैं लाया था रिश्ता, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, फेसबुक पे वायरल भी अच्छी खासी हुई, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जाएं जाकर वीडियो पे क्लिक करके अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।